तो चलिए दोस्तों, अगर आपने भी फ्लिपकार्ट से ये वाला एल जी जी एट एक्स थिंक फ़ोन परचेज किया है तो आप कमेंट करके पहले मुझे बता दीजिए कि आपका फ़ोन कैसा चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फोटोग्राफी में कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, सब कुछ आप हमको बता दीजिए। क्योंकि अब हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको इस फ़ोन के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो डेफिनेटली लंबे समय तक काम करेगा, 2-4 साल काट देगा आसानी से। नहीं तो अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपको दिक्कत अभी से होने वाली है। तो सबसे पहली चीज निकल के ये आती है कि लोगों के पास जैसे ही ये फोन आया तो लोग जो है ना भागना शुरू कर दिए दुकान की तरफ, जहां पर इस फोन में ग्लास लगवाने की होड़ सी मच गई है। तो ऐसे में लोकल दुकान पर कोई भी ग्लास मिलता नहीं है। अगर इस फोन में एडजस्ट करके ग्लास कोई लगा भी देता है तो फिर वो जो ग्लास है वो मोटा वाला मिलता है, जो आर्मर स्क्रीन है, फ्लेक्सिबल स्क्रीन है, वो मुश्किल से मिलती है। अगर आप दोनों ही डिस्प्ले में इधर भी और इधर बोथ साइड में अगर आप मोटा मोटा ग्लास लगवा लेंगे तो इस फ़ोन की डिज़ाइन ऐसी बनाई गई है कि वैसे भी अगर इसमें ग्लास नहीं लगा है तो इस फ़ोन के जो डिस्प्ले है दोनों के बीच में 0.5 mm से भी कम जगह है और ग्लास की मोटाई लगभग 1 mm के आसपास होती है। तो अगर आप उसमें जबरदस्ती लगा भी लेंगे तो आपका फ़ोन इस पोजीशन में हमेशा रहेगा थोड़ा सा खुला हुआ, और अगर आप इसको ज़बरदस्ती बंद करेंगे तो यहाँ जो है ना डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप ग्लास लगवाएं तो आप जो है ना अमेजोन से परचेज कर लीजिए। इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है कि कौन सा ग्लास आपके फ़ोन के लिए सही रहेगा, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। तो ऐसे में ग्लास जो है ना दुकान से नहीं लगवाएं तो अच्छा है, इसका एक मतलब प्रॉपर ग्लास आता है उसको परचेज करके लगा लीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर निकल के आती है कि कवर में आप जब भी इसको चार्ज करें तो इसमें एक मैग्नेटिक कनेक्टर दिया गया है जो आपको मिला होगा, तो मैग्नेटिक कनेक्टर जो है ना उल्टा ना लगाएं, मैग्नेटिक कनेक्टर सीधा लगाएं। उसमें जो डॉटेड बने होते हैं मैग्नेटिक कनेक्टर में वो जो है ना सीधा लगाएं, ऊपर की साइड रखें तो इससे फ़ोन आपका प्रॉपरली चार्ज होगा। हालांकि अगर आप उल्टा लगा भी देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन चार्जिंग जो है ना वो जो है ना स्लो होगी। इसके अलावा अगली चीज़ निकल के ये आती है कि अगर आपको ज़रूरत हो तभी आप इस डुअल स्क्रीन को यूज करें, अन्यथा आप हमेशा इसको ऐसे ऐसे ना करें, क्योंकि ऐसे ऐसे करने से ये फ़ोन जो इसकी हिंज है वो ढीली हो सकती है और इसका पट्टा वगैरह खींच सकता है, और ये पट्टा फिर कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितने रुपये में मिलेगा कोई नहीं जानता है। क्योंकि इस मामले में अपडेट वगैरह हो या फिर थोड़ी सर्विस वगैरह हो, LG उतना अच्छा काम नहीं करता। इसके अलावा अगली चीज़ निकल के आती है, वो मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन में चार्जर तो नहीं दिया गया, हम सभी जानते हैं, लेकिन कई सारे लोगों के पास जो है ना फास्ट चार्जिंग वाला जो चार्जर वो पहले से अवेलेबल है, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है वो अपना नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर सकता है इस फ़ोन को, फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी, नॉर्मल चार्जिंग होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चार्जर आप इसमें लगा दीजिए, कोई भी आपको रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो वगैरह ये मिलता है, सैमसंग वगैरह, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 21 वाट से ज़्यादा का फास्ट चार्जर इस फ़ोन में यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करते हैं तो आपका फ़ोन डेफिनेटली बैटरी जो है ना वो लॉन्ग टर्म में डैमेज हो जाएगी, तो इन चीज़ों का इसलिए ख्याल रखना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फ़ोन आपका लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। तो ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपके पास ये फ़ोन है तो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कैमरा वगैरह कैसा है, सब कुछ कमेंट में बता सकते हो। उस वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना इसको कमेंट में करना मत भूलिए। अगर आप अपने कमेंट का इंस्टेंट जवाब चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए।